जय श्री राम। नमस्कार, मैं नवनीत दुबे बोल रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बांध कामगार इमारत योजना के बारे में। आपको बता दूँ, बांध कामगार इमारत योजना के अंतर्गत लोगों को लाखों रुपए का लाभ मिलता है। ये लाभ किसके लिए हम बात करेंगे, पहले बता दूँ। बांध कामगार इमारत योजना, इससे आप समझ गए कि जो दीवार बनाते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, रोड में खड्डा खोदने का काम करते हैं, ऐसे बेगारी कामगार जो बिल्डिंग लाइन में है, उनके लिए ये योजना है। तो योजना बता दूँ, अगर बांध कामगार इमारत योजना का कोई लाभार्थी है, वो शादी करता है, शुरू से बता रहा हूँ, शादी करता है, गवर्नमेंट उनको 30,000 रुपये देती है शादी के लिए। उसके बाद प्रत्येक कुटुंब जो उसके घर पे दोनों आजू बाजू रहते हैं, रिश्तेदार, उन लोग को 500 रुपये देती है। ये पूरा मेरे पास GR पड़ा है, बांध कामगार योजना का GR है। मैं GR आपको बता रहा हूँ पढ़ के। ओके, तो शादी के समय गवर्नमेंट 30,000 देती है, शादी के बाद वैवाहिक जीवन में कुछ वस्तुएं खरीदी करने के लिए गवर्नमेंट 30,000 रुपये उनको फिर से देती है। बांध कामगार योजना के अंतर्गत अगर उनके बच्चे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो उनको 15,000 रुपये देते हैं, सर्जरी से होता है तो 20,000 रुपये देते हैं बच्चों के लिए। अगर उनके बच्चे पढ़ाई स्कूल जाते हैं तो उसके लिए उन्हें 2,500 रुपये देते हैं सालाना, एक बच्चे को। दो बच्चे हुए तो और हर सालाना प्लस हर साल उनको 500 रुपया स्कॉलरशिप देती है बच्चों को। ये बांध कामगार इमारत योजना का एक एक लाभ है, आप ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करना, आगे भी ये सुनिए। इस तरह से अगर उनसे बच्चे 10वीं में 50% लाते हैं, तो उन बच्चों को 20,000 रुपये मिलता है। 75 लाते हैं तो 25,000 रुपये मिलते हैं। 10वीं में ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको 1,00,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है आगे की पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन के बाद। आगे भी है, दूसरा है गवर्नमेंट की बहुत ही स्कीम है, 3 पेज का है, इसका कैंप कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है इसका। उसके बाद है, अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको 4.5 लाख रुपये अनुदान देती है। या से शादी हुआ, बच्चे हुए, फिर घर की जरूरत है, घर बनाते हैं तो 4.5 लाख रुपये देती है, जिसमें शासन महाराष्ट्र शासन की तरफ से उनको 2 लाख रुपये मिलते हैं। 2.5 लाख रुपये काम बांध कामगार इमारत योजना मंडल की तरफ से उनको 2.5 लाख रुपये आता है। उसके बाद उनके लड़की की शादी के लिए 1 लाख रुपये आता है, 18 साल बाद जब लड़की हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपये उसकी शादी के लिए भी आता है। अगर बांध कामगार योजना कोई बिल्डिंग साइट के ऊपर बिल्डिंग बना रहा है, उस साइट के ऊपर उसका डेट होता है तो उसको 5 लाख रुपया होता है, और घर पे होता है तो 2 लाख रुपये है। उसके बाद हर साल का उनका 1 लाख का मेडिक्लेम देता है जो बांध कामगार योजना भरती है। और अगर उन बांध कामगार योजना में उनका रजिस्टर होता है, उनकी मृत्यु होती है, तो उनकी जो पत्नी रहती है उनको 10,000 रुपये हर महीना पेंशन मिलती है। ये बांध कामगार योजना है, इसका GR आपको मिलेगा। आप गूगल पे बांध कामगार इमारत योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम।